अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अभी मैं आ गया हूँ दर्शन करके नीचे, अब चलना है अपने अगले पॉइंट पे। तो चलिए चलते हैं। ये देखो भाई कैसी गाड़ी है इधर, न्यू टेक्निक। पहुंच चुके हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, महेंद्र के। महेंद्र राजा थे, उन्हीं के ज़माने का ये बना हुआ गुफा है। और ये देखिए आप कुछ नज़ारा है, माउंटेन है, पहाड़ सब, और इधर सारी टूरिस्ट बसें लगी हुई हैं जो लोग घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे टिकट लगता है, देखते हैं कैसे लगता कम रहे के पर्चे पत्र। एक इंडियन तो भाई मैंने टिकट ले लिया है, एक इंडियन के लिए 80 रुपये नेपाली। इधर से जाना है महेंद्र केव। तो ये अच्छा है भाई, देखो थोड़ा गार्डन वार्डन है सब अच्छा है। क्या है भाई, गुफा है और यहाँ पे ढोलक झाल लगा रहे बज रहे हैं भाई। ये है गुफा, फोटो तो भाई आ चुके हैं गुफा के पास। भाई गुफा देख रहे हो, पूरा अंधकार है। भाई पानी टपक रहा है ऊपर से। भाई यहाँ से डबल रास्ता गया है गुफा के लिए, किधर से उधर किधर से जाए तो समझ में नहीं। किधर से जाए भाई, इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाएगा। भाई देख रहे हो संस्कृत मंत्र का उच्चारण हो रहा है। गुफा का अंत वहीं तक था, हो गया। अब चलते हैं आगे, एक ठो उधर भी रास्ता गया था, तो देखते हैं क्या होता है। भाई जो ये गुफा है ये राजा के जमाने में खोदी गई है, ये पहले से नहीं है। इसको
खोद कर बनाया गया है, तो वही चलते हैं भाई दूसरी तरफ। यहीं से दूसरा गुफा है यहाँ जाने के लिए, तो भाई ये जाने के लिए और एक आगे है, तो मैं सामने वाला में चल रहा हूँ। इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट भाई साहब निकल तो गए, बहुत डिफ़िकल्ट था निकलना, बहुत मुश्किल था, और जिधर से गए थे उधर से नहीं निकले हैं, दूसरी तरफ से निकले हैं, और इधर से जाने के लिए है और हम उधर से निकले हैं। उधर बहुत डिफ़िकल्ट था तो उधर से निकले भाई, और भाई ये मैन मेड गुफा है, इसको राजाओं के ज़माने में बनाया गया था, महेंद्र राजा थे यहाँ के, तो उनके ज़माने में इसको बनाया गया था, और तो भाई अभी निकल रहे हैं। तो भाई महेंद्र गुफा से बाहर निकल चुके हैं अभी हम, और यहाँ से अब थर्ड पॉइंट पे चलना है। तो भाई ये रहा यहाँ का कुछ सीन, बहुत ही अच्छा है, मनोरम दृश्य है नेपाल का एकदम। और भाई मैं बता दूं कि अकेले घूमने में जो मज़ा है ना, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत साफ सुथरा जगह है एकदम। तो अभी चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो भाई पहुंच चुके हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। आगे से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चमेरे गुफा। गुफा है क्या? गुफा का नाम क्या? चमेरे। चमेरे। तो भाई अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आ गए हैं, चमेरे गुफा की तरफ, और
ये रहा कुछ यहाँ का लोकेशन। ज़्यादा नहीं, उस महेंद्र गुफा से मात्र 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट भी नहीं लगा, ओनली 2 मिनट महेंद्र गुफा से रास्ता है। एंड कैश काउंटर, चमेरे गुफा की तरफ स्वागतम। यहाँ पे हिंदी में स्वागत हो रहा है हम लोग का। हर तरफ लंठाई होता है भाई, भाई म त कुवा त नै नै एन्ट्री यही निकल्ने के लिए ओके एन्ट्री नै पता नहीं भाई, कोई बता नहीं रहा, सीढ़ियां बनी हुई है तो कोई बात नहीं भाई, और लाइट भी नहीं है। अरे भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, पता नहीं कौन सा गुफा है, चमेरे गुफा करके है, लाइट वाइट कुछ नहीं है इसमें, उठा ला है भगवान। ओह माय गॉड, मतलब भूत रहत हुई हम सुन एकदम दिखाई नहीं दे रहा, हम तो फ्लैश बा रहे हैं अपने चेहरे पे, सामने दिखा रहे हैं तो भाई ये तो भूत बंगला लग रहा है एकदम, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है एकदम, क्या है यार। तो हम सामने से फ्लैश बार रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है, चेहरे पे बार रहे हैं तो हम दिख रहे हैं, तो भाई पानी भी टपक रहा है। ओ भाई इधर भी लोग हैं, सब अपना मोबाइल का फ्लैश बार रहे हैं। तो भाई उस महेंद्र गुफा में तो बत्ती जल रही थी, इसमें तो जल भी नहीं रही है, तो भाई चलते हैं बाहर, निकलते हैं पहले इससे, बाहर निकलते भाई। भाई एक गुफा है कि क्या है यार, जिंदगी झंड हो गया भाई। अभी निकल चुके हैं गुफा से,